हाँ गया गुड मॉर्निंग आप सारे विद्यार्थियों को कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद है सभी लोग मजे में होंगे भाई आज हम हाइट एंड डिस्टेंस की शुरुआत करने वाले हैं और आपको मैं ये बता दूं कि पीछे का सात क्लास में हम ट्रिगोर्मेट्री जो है आपको कंप्लीट करा दिए जितने भी इधर लेटेस्ट 2016 से रेलवे में प्रश्न पूछे गए थे त्रिकोणमिति से वो सारे सवाल आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने कराया है तो भाई ट्रिगोर्मेट्री को आपने एक बार तो कर ही लिया फिर से आप क्या करेंगे पूरे सातों क्लास को आप अपनी कॉपी में चीज को तो नोट कर ही लिए होंगे आप बार बार उस चीज को क्या करिए अभ्यास करिए अभ्यास करिए देखो भाई मैथ्स को बेहतर करना है तो आपको बस प्रैक्टिस करना होगा जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मैथमेटिक्स आपका सुपर डुपर होगा इसमें कोई दोष राय नहीं है है ना तो ट्रिगोरमेट्री को एक बार फिर से जाकर के आप प्रैक्टिस करिए समय निकालिए दस घंटे बारह घंटे की आप स्टडी करिए इस लास्ट टाइम में आपका ठीक ना और सभी पेपर पर आप ध्यान दीजिए तो भाई आप ट्रिगोमेट्री को रिवीजन करो खूब जम करके उसको रिवाइज करिए खूब मेहनत करिए और आज के क्लास में हम हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं और ये आपका छोटा सा टॉपिक है तो सबसे पहले आज शुरुआत के कुछ मिनट जो है हम हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक पढ़ेंगे और इस पर काफी सारे हम आज के क्लास में सवाल भी ले रखे हैं वो सारे सवाल का हम सॉल्यूशन भी करेंगे पूरे कंसेप्ट के साथ ठीक है भाई चलिए तो बिना देर क्यों हम सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बार सारे के सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक कर देंगे और दबा करके शेयर करिए और और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए ठीक है भाई चलो आप लोग शेयर करिए और जल्दी से जल्दी हां भाई सब कुशल मंगल है हाँ बिल्कुल हाँ और एक बात मैं आपको यह बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस आज जो है एक ही मेथड से आपको हम कराएंगे और वो है आपका रेशियो मेथड रेशियो मेथड से हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी सवाल को बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हो और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि यह हाइट एंड डिस्टेंस का लगभग हम तीन क्लास के आसपास में कराएंगे कितना क्लास तीन क्लास के आसपास में और ये तीन क्लास में कर लेने के बाद हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा यह मेरा दावा है यहां पर ठीक ना तो एक बार आप सारे विद्यार्थी पहले दबा करके आप शेयर कर दो चलो बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई सारे विद्यार्थी को हा वोटिंग है वोटिंग भाई पटना में भी वोटिंग है जहां पे हम, हम हैं है, ना तो चलिए ठीक है बाकी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ाते हैं एक और यहां पर महत्वपूर्ण बात आप सारे विद्यार्थी देख लो आपका ये अंतिम का दो महीने में आप सारे विद्यार्थी जो रेलवे की तैयारी करते हो आपको टेस्ट देना अपनी औकात पता करना अपने आप को आंकना कि आप कितना पानी में हो क्या आपकी तैयारी है किस लेवल की तैयारी है आप सेट में कितने मैथ्स के प्रश्न को आप बना सकते हो कहां पर आपको समस्या हो रही है किस चैप्टर में और आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ये सारी बात का एहसास जो है तभी होगा जब ये लास्ट के दो महीने में आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करेंगे तो भाई आप सारे विद्यार्थी को देखते हुए आपके एग्जाम को देखते हुए अंतिम क्षण में हम मैथ टेस्ट विथ डिस्कशन का एक पेड बैच लाए हैं अपने एप्लीकेशन अंकुश सर ऑफिशियल पे भाई आपको क्या करना है सारे विद्यार्थी इस बैच में इनरोल होइए बहुत आपको फायदा होगा और इस लास्ट टाइम में एक बेहतरीन आपका रिवीजन होगा भाई चार तारीख कल से ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं शाम में कितने बजे सात बजे और एप्लीकेशन क्या है अंकुश सर ऑफिशियल जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा वहां पर उसको डाउनलोड कर लेना है उस पर रजिस्टर्ड हो जाना है और उसके बाद ये पैकेज थ्री का जो बैनर होगा ना टेस्ट विथ डिस्कशन का इसको परचेज कर लेना है इसमें हम टोटली बीस सेट दे रहे हैं हर सेट में बीस अलग अलग चैप्टर से प्रश्न होंगे और प्रश्न हम वो रखेंगे जो प्रश्न में ज्यादा लोग को समस्या होता है है ना तो ये सारे लोग पैकेज को परचेज करिए और इसका चार्ज जो है एकदम एफोर्डेबल फी रखें बहुत ज्यादा हम फी नहीं रखे मात्र आपका सौ रुपए भाई देखो पेड बैच भी है फ्री बैच भी आप लोग को हम फ्री सेवा तो यहाँ पर दे ही रहे और इन फ्यूचर भी देते रहेंगे एग्जाम तक आपको हम फ्री सेवा देंगे लेकिन ये आप पैकेज खरीद सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो मैं आपको बता दूं एक सेट में आपका 20 क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है और कुल मिला के सेट कितने हम कराएंगे 20 तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो यानी 400 क्वेश्चन चार सौ क्वेश्चन आपको एक पैकेज के अंतर्गत कराया जाएगा अगर आप दो पैकेज इस लास्ट टाइम में कर लेंगे दो पैकेज पैकेज थ्री और फोर तो आठ सौ प्रश्न ये जो आपका आठ सौ प्रश्न का कलेक्शन होगा बहुत ही बेहतरीन आपका होगा ठीक है भाई और सौ रुपए ले रहे एक क्वेश्चन का आपका पच्चीस पैसा पड़ता है है ना तो बिल्कुल आपका चीफ है एंड बेस्ट आपका है तो सारे विद्यार्थी अपने पूरे मित्रों के बीच इस बात को शेयर कर दीजिएगा और एडमिशन जो है उसमें आपका स्टार्ट है कल से बैच शुरू हो रहा है ठीक है भाई ये इंफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है चलिए जहां तक इसके पीडीएफ की बात है तो आपको एप्लीकेशन पर ही दिया जाएगा आइए तो हम बिना देर क्यों हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहां पर देखिए सारे के सारे विद्यार्थी टॉपिक बना लीजिए सब लोग हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक सब लोग जल्दी से बनाइए हाइट एंड डिस्टेंस हाइट एंड डिस्टेंस हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई एवं दूरी ऊंचाई एवं दूरी सारे लोग बना लेंगे ऊंचाई एवं दूरी हेडिंग लगा लेंगे भाई इसका हम तीन क्लास आपको कराएंगे कितना करेंगे तीन क्लास इसका हम कराएंगे कोई कमेंट भी आ रहा है क्या सर पैकेज कैसे परचेज करे आपका एप्लीकेशन काम नहीं करता है अरे भाई ये ऐसे कैसे बोल रहे हो आप अंकुश सर ऑफिशियल को आप सर्च करो ठीक है भाई राहत भाई पटना से जो हो ना हाँ आप अंकुश सर ऑफिशियल को आप सर्च करो ठीक है हाँ और आपको किसी भी तरह की परेशानी आ रहा है तो आप सीधे कॉल कर लो वैसे परेशानी आएगी नहीं लेकिन मान लेते सपोज अगर आपको हो रहा है तो आप सीधे कॉल कर लीजिए ठीक है यहां कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है चलिए पीडीएफ कहां मिलेगा हाइट एंड डिस्टेंस का हाइट एंड डिस्टेंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा क्लास के बाद ठीक है तो चलिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं तीन क्लास में आपको कराऊंगा और हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत बेहतरीन ढंग से मैं कंप्लीट करा दूंगा आज तक आप ऐसा हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़े होंगे सुनिए तो हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ बेसिक कंसेप्ट पहले हम सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण तो है देखो भाई सबसे पहली चीज तो यहां पर यह ध्यान में रखिए कि देखो ये आपका क्या है ये यहाँ पर क्या है एक ऑब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट है पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पर है और यहां पर क्या है एक आदमी है मेरे भाई यहां पर क्या है एक आदमी है और ये आदमी जो है वो आपका ऊपर क्या कर रहा है देख रहा है यह आदमी जो है वो आपका उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है नीचे से देख रहा है कहा ऊपर की ओर देख रहा है नीचे से ऊपर देख रहा है तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो कोण बनेगा वो कोण को हम कहेंगे उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण क्या कहेंगे इसको हिंदी में उन्नयन कोण कहेंगे उन्नयन कोण हम लोग कहेंगे ये सब बेसिक बात है आपको पता होनी चाहिए फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि कोई आदमी नीचे रहेगा और ऑब्जेक्ट कहा रहेगा ऊपर और नीचे से ऊपर अगर देखेगा तो वैसी स्थिति में ये ये क्या है आई जिसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा भाई मेरे इसको बोलते हैं आई साइट दृष्टि रेखा ऑब्जेक्ट और आंख को मिलाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा होता है ना जैसे हम मान लेते हैं कैमरा को देख रहे हैं तो कैमरा ऑब्जेक्ट हो गया और मैं मेरी आंख हो गया अब ये जैसे देख रहे हैं तो एक इमेजनरी रे यहां पर वस्तु और मेरी आंख को मिला रही है तो इसी को बोलते हैं आई साइट बोलते हैं दृष्टि रेखा बोलते हैं तो भाई आई साइट और ये पृथ्वी सतह के बीच का जो कोण नीचे में बनता है वो उन्नयन कोण और फिर देखो यही मामला पलट जाएगा हो सकता है आपका ये आदमी कहां चल जाए ऊपर और ऑब्जेक्ट कहां आ जाए नीचे आपका आ जाए ठीक है भाई देखो यहां पर ये सब लोग देखिए यहां पर देखो यहां पर ये जो है आपका नीचे में इस बार ऑब्जेक्ट हो गया और आदमी कहां पर है ऊपर में आपका है आदमी ऊपर में है अब ये आदमी रहा? रहा तो, तो वैसी स्थिति में आपका ऑनमन कोण का निर्माण होता है देखो यहां पर क्या किया पृथ्वी सतह के एक रेखा खींच दिए अब देखो पृथ्वी सतह के समानांतर रेखा और आई साइट के बीच का जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं अनमन कोन एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको बोलते हैं नमन को तो भाई मेरी सब बेसिक जानकारी है, सब आपको पता होनी चाहिए तभी तो आप क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बना पाएंगे तो बोलो उन्नयन कौन कहा बनता है तो नीचे में बनता है जब आदमी नीचे से ऊपर देखता है और उन्नयन अवनमन कौन कब बनता है ऊपर बनता है पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पर बनता है जब आदमी नीचे ऑब्जेक्ट को देखता है ठीक है और मैं आपको यह बता दूं यहां पर कि ये दोनों आपस में क्या होता है मेरे भाई बराबर होता है ठीक है सर ये कैसे होगा कैसे बराबर होगा तो आप देख लो यहां पर आप देख लो यहां पर ये यह यहां पर जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है यहां पर ऑब्जेक्ट है सॉरी यहां पर आदमी है और यहां ऑब्जेक्ट है, है तो ये क्या बनेगा उन्नयन कौन ए ओ ई और मान लेते हैं यहां पर आदमी है यहां पर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बनेगा आपका ये क्या बनेगा तो ये बनेगा आपका ऑनमन कुं ए मेरा कहना है कि ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा यानी ए -E -E. दोनों आपस में बराबर हो गएगा ई कैसे तो एकांतर कौन से होगा भाई मेरे एकांतर कौन से आपको हम ज्योमेट्री पढ़ा चुके हैं ज्योमेट्री में याद है ना कि ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरल है ट्रांसवर्सल हो गया तो ये कौन और ये कौन बराबर होता है एकांतर आंतरगुण से मतलब मान लेते हैं किसी प्रश्न में अगर अनमन कौन तीस डिग्री दिया है तो उन्नयन कौन भी कितना होगा तीस डिग्री होगा अनमन कौन मान लेते हैं पचास डिग्री दिया है तो उन्नयन कौन भी कितना होगा पचास डिग्री आपका होगा तो ये चीज आपको क्या करना है ध्यान में रखना है अब भाई यहां पर और आपको क्या ध्यान में रखना है सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिएगा देखिए यहां पर ये जो चीजें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है डीवीआई है ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि सर क्या इंपॉर्टेंट है तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम तीन फिगर बना रहे हैं एक हम बना रहे हैं यहाँ पर एंगल दे दिए जानते हैं कितना तीस डिग्री दे दिए फिर एक और यहाँ पर हम बना रही है यहाँ पर एंगल हम कितना दे दिए साठ डिग्री दे दिए और देखो यहां पर एक बना दिए यहां पर एंगल हम कितना दे दिए पैंतालीस डिग्री दे दिए अब भाई मेरे यहां पर 30 डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए 45 डिग्री के लिए लंब आधार कर्ण का रेशियो क्या होगा यही आपसे पूछा जा रहा है यहां पर देखो ये 90 डिग्री है यहां भी ये यह जो आपको दिख रहा है ना ये आपका 90 डिग्री है समकोण को बता रहा है और यहां ये जो आपको दिख रहा है ये भी आपका नब्बे डिग्री है ठीक है भाई ये भी आपका जो है नब्बे डिग्री है अब देखो यहां पर ट्रीगोर्मेट्री में मैंने ये बात बताया था कि अगर ये एंगल है तो सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे लंब कहेंगे कोण के सामने की भुजा लंब बोलते हैं और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या बोलते हैं कर्ण कर्ण और बाकी जो बच गया क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा तो बोलो भाई ये कोण है तो सामने की भुजा क्या, क्या कहलाएगा लंब 90 के सामने वाला क्या कर्ण और ये क्या हो गया आधार हो गया आधार हो गया रे बेस हुआ कि नहीं बोलो ना ये बेस हो गया फिर देखो एंगल है तो सामने की भुजा को क्या कहेंगे लंब नब्धे के सामने को क्या बोलेंगे कर्ण और इसको क्या बोलेंगे आधार हम बोलेंगे अब यहां पर देखिए आपको यहाँ पर रेशियो लिखना है आपको रेशियो लिखना है कि जब 30 डिग्री रहे तो लंब आधार और कर्ण का रेशियो क्या होगा तो भाई मेरे आप हमको बताओ को आप उठा लीजिए बोलिए टेन थर्टी का मान कितना होता है जल्दी सब लोग बोलिए तो टेन थर्टी कितना होता है कहेगा सर टेन थर्टी तो होता है वन बाई रूट थ्री होता है ऐसे टेन थर्टी क्या होता है P B. 30, P B. अरे क्या होता है P B. और 30 हो परपेंडिकुलर मतलब वन और बेस कितना रूट थ्री तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टेन ही लेंगे आप किसी भी रेशियो को आप ले सकते हो आप साइन ले लो तो साइन क्या होता है बोलिए पी बाई एच होता है कि नहीं जी बोलो साइन थर्टी आपका कितना होता है साइन थर्टी कितना होता है वन बाई 2 1/2 और साइन होता है p/h इसका मतलब h के जगह पे कितना होगा 2 होगा आपका है ना तो साइन, tan cot से cosec किसी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अगर रेशियो का जांच करिएगा तो आपको 1√3 और 2 ही मिलेगा कब जब एंगल 30 डिग्री रहेगा तब तो, ठीक उसी तरह अगर मान लेते हैं 60 डिग्री अगर दिया हुआ है तो बोलो tan 60 कितना होता है तो कहिएगा सर √3/1 होता है तो देख लो लंब का रेशियो रूट तीन आधार का रेशियो एक और कर्ण का रेशियो कितना होगा दो होगा है ना ऐसे भी साइन सिक्सटी अगर पूछ दे तो साइन सिक्सटी क्या बोलिएगा रूट थ्री बाई टू और साइन क्या होता है पी बाई एच तो पी के जगह पर रूट थ्री और एच के जगह पे दो होता है तो वन बाई टू ऐसे क्या होता है बी बाई एच तो देख लीजिए बी बाई एच वन बाई टू सुट कर रहा है तो भाई आप छ्री और रेशियो लगा लो ये रेशियो आपका सेटिस्फाइड करेगा पैंतालीस डिग्री बोलो टेन पैंतालीस कितना होता है ना जी वन बाई वन टेन होता लंबा आधार यहां पर कितना होगा रूट टू हो जाएगा बोलो टेन पैंतालीस साइन पैंतालीस पी बाई एच साइन पैंतालीस पी बाई एच वन बाई रूट टू तो भाई मेरे ये रेशियो आज के बाद आपको याद रखना है अगर हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत बेहतरीन ढंग से अगर आपको करना है तो ये रेशियो आपके जुबान पे होना चाहिए थर्टी डिग्री के लिए रेशियो वन रूट थ्री टू वन रूट थ्री टू सिक्सटी डिग्री के लिए रूट थ्री वन टू रूट थ्री वन टू पैतालीस डिग्री के लिए वन वन रोट टू वन वन रोट टू याद हो गया ये बोलो थर्टी डिग्री रहेगा तो लंब का रेशियो एक आधार का रेशियो रूट तीन कर्ण का रेशियो दो सिक्सटी डिग्री रहेगा तो लंब का रेशियो रूट तीन आधार का रेशियो एक और कर्ण का रेशियो और... देखो तीस डिग्री में भी कर्ण दो होता है और साठ डिग्री में भी कर्ण दो होता है और पैंतालीस डिग्री में क्या होगा वन वन रोट टू वन वन रोट टू वन वन रोट टू आपका होगा ठीक है तो हम उम्मीद करते हैं उम्मीद करते हैं कि ये तीनों चीज आपको याद हो गया होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब यहां पर हम एक चीज सीखेंगे जानते हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं बैलेंसिंग बैलेंसिंग ऑफ रेशियो क्योंकि ये जानते हैं हर प्रश्न में इसका प्रयोग होगा भाई ये चीज अगर आप सीख लिए तो समझो हाइट एंड डिस्टेंस आपने सीख लिया बैलेंसिंग ऑफ रेशियो का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इसका प्रयोग जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस के लगभग सारे सवाल में होता है ठीक ना? तो अभी आपको हम सिखा रहे बैलेंसिंग ऑफ रेशियो ठीक है भाई चलिए याद करना पड़ेगा मुकेश तिवारी थोड़ा तो याद नहीं हो रहा दो अक्षर एक एक रोड दो याद क्या करना है टेन 30 का मान याद है ना वन बाई रूट थ्री तो पकड़ में आ गया कि पी बाई एच पी बाई बी वन बाई रूट थ्री टेन पैंतालीस याद है टेन 60 याद है टेन 30 याद है तो याद तो है ही आपको पहले से बस इसको एक बार इसको बस री कर लेना है ठीक ना <laughs> चलिए एक बार सभी के सभी लोग शेयर करेंगे भाई एक बार सभी के सभी लोग जो है शेयर करेंगे हाँ, टेस्ट का जो डिस्कशन हम लेंगे ना वो आपका एप्लीकेशन पर ही लेंगे पेड बैच जो भी होगा एप्लीकेशन पर लेंगे और कुछ कुछ फ्री बैच भी हम एप्लीकेशन एप्लीकेशन पर पर लाएंगे आप टेंशन ना लें कुछ कुछ फ्री बैच भी हम लाएंगे चलो भाई एक लड़का बोल रहा है फर्स्ट टाइम हम चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा है ना ये क्लास ये चैप्टर पढ़ने के बाद चलिए तो बैलेंसिंग ऑफ रेसियो पे हम काम करते हैं सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे देखिए यहां पर मेरी बात को गौर से सुनिएगा यहां पर मेरी बात को गौर से सुनिएगा देखो यहां पर आपका एंगल जो है वो आपका दे रखा है जानते हैं कितना साठ डिग्री दे रखा है और यहां पर आपका एंगल कितना दे रखा है पैंतालीस डिग्री दे रखा है ठीक है अब यहां पर हमको क्या करना है इसको बैलेंस करना है या इस पर हमको वर्क करना है मतलब आप ये सीखिए कि अगर आपके सामने प्रश्न में कुछ इस तरह की चीजें आ जाए तो हम शुरुआत कैसे करेंगे या चीज को ऑपरेट कैसे करेंगे कैसे इसको हम सोल्व करेंगे ये चीज आपको हम सिखाने वाले हैं फिर हम प्रश्न पे आएंगे तो बोलो भाई यहां पर साठ डिग्री यहां पर दिया हुआ है तो ये तो नब्बे डिग्री है अब आप सारे विद्यार्थी आराम से बताओ कोई हड़बड़ी नहीं है क्योंकि हमको पता है कि ये चीज अगर आप सीख जाइएगा तो फिर हम जितना तेज दौड़ाना चाहे आप दौड़ सकते हैं साठ डिग्री बोलिए भाई साठ डिग्री के लिए मैं बात कर रहा हूं इसके लिए ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और आधार जो है वो यहीं तक होगा अरे भाई त्रिभुज इस पे आओ ना ये वाले त्रिभुज पे तो साठ डिग्री ये जो कोण है ना इसके लिए ये लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा यहां से यहां तक लेकिन अगर हम पैंतालीस डिग्री की बात करते हैं तो पैंतालीस डिग्री के लिए लंब पूरा ये होगा और आधार यहां से लेकर के यहां तक आपका हो जाएगा क्यों भाई

सही बात बोल रहे हैं अगर टेन सिक्सटी भी अगर आपको नहीं याद है तो फिर रिजल्ट आपका होगा इस आप वह में मत रहिए इसको सीधे आप छोड़ दो हाँ आपकी बस की बात नहीं है अगर टेन फोर्टी फाइव भी अगर आपको नहीं याद है टेन सिक्सटी भी नहीं याद है आप पढ़ क्या रहे हैं भाई अब यहां पर आ जाओ तो ये हो गया रूट तीन के रेशियो में और ये हो गया एक के रेशियो में अब पैंतालीस डिग्री की हम बात करते हैं तो पैंतालीस डिग्री बोलो कितना हो जाएगा वन बाई बोलो भाई पैंतालीस डिग्री कितना हो जाएगा वन बाई वन हो जाएगा देखो 45 डिग्री क्या होता है tan पैंतालीस वन बाई वन लम्ब भी एक आधार भी एक अब सोचो यहां पर क्या रेशियो बैलेंस है तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है कहेंगे सर कैसे कैसे आप पकड़ लिए तो मामला को समझो भाई देखो ये वाला जो साइड है ये साइड जो है वो इस त्रिभुज में भी है सिक्सटी डिग्री वाले में भी है और ये वाला साइड जो है वो 45 डिग्री वाले में भी है तो रेशियो को बैलेंस करने के लिए हम कॉमन साइड को ढूंढते हैं वो साइड को ढूंढते हैं जो दोनों त्रिभुज में है वो साइड को ढूंढते हैं जो दोनों त्रिभुज में है तो आप ये लंब को देखिए ये 60 डिग्री वाले में भी है और यही लंब आपका 45 डिग्री वाले में भी है अब बताओ भाई ये तो लंबाई बराबर है अरे ये जो लंबाई है लंब का वो इसमें भी वही है और इसमें भी वही है लेकिन रेशियो दोनों का क्या है अलग अलग है भाई मेरे देखो रेशियो दोनों का क्या है अलग अलग है जो कि गलत है जब इ लंबाई बराबर है तो रेशियो भी क्या होना चाहिए सेम और ये रेशियो को सेम करना ही क्या है बैलेंसिंग ऑफ रेशियो है जो भुजा दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ रहेगा जो भुजा दोनों त्रिभुज में कॉमन रहेगा उसके रेशियो को बराबर करना ही बैलेंसिंग ऑफ रेशियो है अब आप बताओ कि रूट तीन और एक को बराबर करना है कैसे होगा रूट तीन और एक को बराबर करना है कैसे होगा तो बोलो ये रूट तीन है एक है अगर इसमें हम रूट तीन से गुणा कर देते हैं किसमें एक में तो दोनों बराबर हो जाएगा लेकिन आप बताओ आपने एक में रूट तीन से गुणा किया और ये एक किसका रेशियो था पैंतालीस डिग्री का रेशियो था क्या एक अनुपात एक, एक अनुपात एक जानते हैं रेशियो का नियम क्या कहते हैं अगर एक अनुपात एक कहीं दिया हुआ है इसमें अगर से गुणा करिएगा तो आपको इसमें भी रूट तीन से गुणा करना पड़ेगा ये रेशियो का नियम है कि इसमें अगर आप गुणा कर रहे हो रूट तीन से तो इसमें भी आपको करना पड़ेगा तो देखो पैंतालीस डिग्री के लिए क्या था वन बाई वन वन बाई वन अगर इसमें रूट तीन से गुणा किए तो इसमें भी आपको रूट तीन से गुणा करना पड़ेगा अब जाकर के कॉमन है चाहे साठ डिग्री वाला ले लो या पैंतालीस डिग्री ले लो तो जब कॉमन है तो रेशियो भी क्या होना चाहिए दोनों का बराबर होना चाहिए तो देख लीजिए साठ डिग्री के लिए भी रेशियो यही है और पैंतालीस डिग्री के लिए भी रेशियो यही है रेशियो बराबर हो गया बराबर भूजा का तो समझ जाओ बैलेंस हो गया लेकिन ध्यान में रखना है कि इसमें रूट तीन से गुणा किए तो इसके साथ रेशियो क्या था ये इसमें भी आपको रूट तीन से गुणा करना पड़ेगा तो भाई ये ऐसे ही हम उदाहरण लिए थे आपको समझाने के लिए कि बैलेंस कैसे करना है एक और बात यहां पर एक बार और इसको हम समझा रहे हैं दूसरा फिगर लेकर के देखो यहां पर क्योंकि हमको पता है ये चीज आप आप सीख जाते हैं तो प्रश्न बनाना बहुत आसान है फिर सट्टा सट्टासठ प्रश्न एकदम खींचाएगा ठीक ना देखिए यहाँ पर हम एक एंगल ले लेते हैं आ 45 डिग्री ले, ले लेते हैं और यहाँ पर एंगल हम ले, ले लेते हैं कितना तीस डिग्री ले लेते हैं ठीक है भाई 45 डिग्री ले लिए तीस डिग्री ले लिए आपको एक चीज यहाँ पर दिख रहा हो कि बड़ा वाला एंगल जो है ना ये टावर के हम करीब ले रहे हैं और छोटा वाला एंगल जो है वो टावर के दूर ले रहे हैं एकदम सही बात है देखो बड़ा एंगल जो है वो टावर के करीब है और छोटा एंगल टावर से दूर है तो टावर से जितना दूरी होता है एंगल उतने कम बनता है और टावर के जितने करीब रहता है ना उतना ही एंगल और ज्यादा बनता है क्यों तो जैसे मान लेते एक बिल्डिंग इमारत है ही दूर से देखेंगे तब हमारा दूर से मान लेते उसके पिक को देखना है ऊपर वाले फ्लोर को देखना है तो दूर से देखेंगे तो हमको कम एंगल से देखना पड़ेगा लेकिन जैसे जैसे आप मकान के नजदीक जाइएगा वैसे वैसे आपका नजर जो है ऊपर चढ़ता चला जाएगा ऊपर चढ़ता चला चढ़ा ऊपर चढ़ता चला जाएगा तो भाई जैसे जैसे आप नजदीक जा रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा आपका है ना तो देखो टावर के नजदीक आओ तो एंगल बढ़ेगा और दूर जाओ तो एंगल घटेगा तो याद रखना है आपको कभी 45 साठ प्रश्न में दे देगा तो नजदीक वाले के पास बड़ा एंगल सेट करना होगा और दूर वाले के पास छोटा एंगल सेट करना पड़ेगा ठीक है भाई चलिए एक बार सारे के सारे विद्यार्थी दबा करके आप शेयर कर दीजिए ठीक है एक लड़का बोल है पंद्रह डिग्री का भी बता दीजिए अरे भाई मेरे पंद्रह डिग्री का इसमें नहीं पूछेगा रेलवे में पंद्रह डिग्री का सवाल नहीं आएगा है ना हां पंद्रह डिग्री का सवाल रेलवे में ऐसा नहीं पूछा है आपका ना ही आपका पूछेगा पंद्रह डिग्री वो एसएससी वगैरह पूछता है तो चलिए यहां पर आप सारे विद्यार्थी बढ़िए 45 डिग्री 30 डिग्री अभी हम लोग सिर्फ रेलवे फोकस कर रहे हैं सुनो 45 डिग्री 30 डिग्री आपका अब देखो भाई यहां पर 45 डिग्री के लिए आप सारे विद्यार्थी जल्दी से लिखे तो 45 डिग्री क्या होता है टेन पैंतालीस का होता है वन बाई वन तो लंब का रेशियो कितना हो गया एक हो गया और आधार का रेशियो यहां से यहां तक सिर्फ होगा एक, एक एक अच्छा तीस डिग्री के लिए लंब कितना होगा एक और आधार पूरा कितना हो जाएगा रूट थ्री हो जाएगा अरे भाई होगा कि नहीं थर्टी डिग्री क्या होता है वन बाई रोट थ्री क्या होता है आपका होता है ठीक है भाई by आपका होता है तो यहां पर देखो तीस डिग्री के लिए आधार जो होगा पूरा यहां से लेकर के यहां तक होगा टावर के जड़ से जहां तक तीस डिग्री है ना जहां पर वहां तक वो आधार कहलाएगा तीस डिग्री के लिए पैंतालीस डिग्री के लिए आधार सिर्फ इतना होगा अब यहां पर इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए हम क्या देखते हैं हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज में कॉमन साइड कौन सा है तो ये लंब है ये एक ऐसी भुजा है जो इस त्रिभुज में भी है 45 डिग्री वाला में भी और 30 डिग्री वाला में भी है और जो कॉमन साइड होता है उसके रेशियो को बराबर करना ही बैलेंसिंग है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि बाई लक कहो या जो कहो यहां पर पहले से ये दोनों का रेशियो क्या है बराबर है तो पहले से जब दोनों का रेशियो बराबर है मतलब ये कहेंगे ऑलरेडी बैलेंस है आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है इसमें बराबर नहीं था तो बैलेंस करना पड़ा था तो भाई ये ऑलरेडी बैलेंस है तोरा बैलेंस करने की जरूरत ना है ये ध्यान में रखना है चलिए और यहां पर एक हम फिगर लेते हैं आप सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिएगा एक फिगर और हम लेते हैं देखो यहां पर मेरे भाई हम ले लिए देखो तीस डिग्री ले लिए और यहां पे कितना ले लिए हम साठ डिग्री ले लिए ठीक ना अब हमको बैलेंस करना है सुनिए अब हमको बैलेंस करना है क्या करें तो बोलो भाई ये तो नब्बे डिग्री सबको दिख रहा है ना ये नब्बे डिग्री दिख रहा है अब बोलो यहां पर ये तीस डिग्री है तो सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा लंब तो लंब का रेशियो कितना एक और आधार का रेशियो बोलो कितना रूट तीन अरे थर्टी डिग्री क्या होता है वन बाय रूट थ्री वन बाई रूट थ्री अच्छा साठ डिग्री क्या होता है रूट थ्री बाई वन कितना हो गया रूट थ्री और बटा में एक हो गया आप तीस डिग्री के लिए आधार कहिएगा तो यहां से यहां तक होगा तीस डिग्री के लिए आधार हो गया क्योंकि यहीं पर लंब है और साठ डिग्री के लिए आधार कहिएगा तो यहां से लेकर के आपका यहां तक होगा साठ डिग्री के लिए आधार यहां से यहां तक आपका होगा तो भाई साठ डिग्री के लिए रेशियो क्या होता है रूट थ्री बाय वन थर्टी डिग्री वन बाई रूट थ्री अब यहां पर देखते हैं कि त्रिभुज तीस डिग्री वाला और त्रिभुज साठ डिग्री वाला में कॉमन साइड कौन है कॉमन साइड कौन है यह चीज हम देखते हैं तो आप देख लो ये जो लंब है ना यही क्या है कॉमन साइड है ये एक ऐसी भुजा है जो इस त्रिभुज का भी है और इस त्रिभुज का भी है तो भाई जो कॉमन साइड रहता है उसके रेशियो को बराबर करना ही क्या है बैलेंसिंग है तो हम क्या करेंगे इसके रेशियो को बराबर करेंगे तो 60 डिग्री के हेल्प से रेशियो बन रहा है रूट थ्री और 30 डिग्री के हेल्प से बन रहा है वन तो क्या करेंगे इसको हम बराबर करेंगे अब बोलो बराबर कैसे करेंगे बराबर कैसे करेंगे रूट तीन और एक को बराबर करना है क्या करेंगे तो इसमें रूट तीन से गुणा कर देंगे देखो भाई इसमें रूट तीन से गुणा कर देंगे तो बराबर नहीं होगा अब बोलो तीस डिग्री के लिए रेशियो क्या था वन बाई रूट थ्री अरे तीस डिग्री के लिए क्या था वन बाई रूट थ्री था ना जी अरे बोलो ना भाई यहां पर क्या था ये रूट थ्री है ना था देखो वन बाई रूट थ्री अगर इस वन में रूट तीन से गुणा कर दिए तो आपको यहां भी रूट तीन से गुणा करना पड़ेगा ठीक ना अरे एक अनुपात रूट तीन दिया है अब इसमें अगर आप रूट तीन से गुणा करिएगा तो आपको इसमें भी रूट तीन से गुणा करना पड़ेगा ऐसा रेशियो का नियम है रेशियो के किसी एक टर्म में आप गुणा नहीं कर सकते हो तो 30 डिग्री के लिए रेशियो था वन बाई रूट थ्री अगर इसको बैलेंस करने के लिए इसमें रूट तीन से गुणा किए तो आधार का जो रेशियो रूट तीन है उसमें भी रूट तीन से गुणा करना पड़ेगा तो बोलो यहां से यहां 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 से से तक तक रेशियो रेशियो कितना कितना बन जाएगा तीन, और यहां यहां बनेगा एक तो पूरा यहां से यहां तक रेशियो कितना बन जाएगा आपका चार बन जाएगा तो एक बार सारे लोग कमेंट करके बताओ ये तीन बातें आपको समझ में आया कि नहीं एक बार सारे लोग कमेंट करके बताना ये तीन बातें जो है आपको समझ में आया कि नहीं मनीष भाई बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म और टावर रिलेटेड बताइए भाई मेरे सब बताएंगे आप टेंशन ना लो है ना हाँ नीचे वाला रूट थ्री क्यों को क्या करेंगे रूट थ्री को क्या करेंगे भाई नीचे वाला बताए अभी यहां पर वन में रूट थ्री से गुणा कर दो यहां पर रूट थ्री से गुणा कर दो नंद किशोर प्रसाद जी टेलीग्राम पे पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता सब होता है भाई तक तो कर नहीं आ रहा है फालतू का उल्टा सीधा कमेंट करते हो चलिए क्लियर है सबको क्लियर है एक बार कमेंट करके बता दो यार क्लियर है सभी को हाँ देखो सब कराएंगे थोड़ा पेशेंस रखो आप ठीक ना सब कराएंगे आप टेंशन मत लो अभी देखो थोड़ा सा दो चार परसेंट अगर डाउट रह गया है तो अभी क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में आएगा बस अभी तो आपको हम बस ये दिखाए हैं भाई कि बैलेंस करते कैसे हैं ठीक है बाकी हर प्रश्न में इस टाइप का बैलेंसिंग मिलता है वहां पे आपको हम करके दिखाएंगे और मैं आपको इतना बता दूं मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपसे बनेगा बस इतना ये बैलेंसिंग का बात आपको याद रहेगा ठीक ना तो चलिए उम्मीद हम करते हैं कि आप सारे विद्यार्थी जो है चीज को समझ पाए बहुत ज्यादा नहीं बहुत आ, कम चीज बताए हैं और इतना से ही आपका काम हो जाएगा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है तो ये तो बढ़िया बात है ना आप लोग यही तो चाहते हैं कि कम पढ़ना पड़े और क्वेश्चन सब बन जाए तो भाई उसी परपज से आपको हम करा रहे हैं ये तो मामला समझ गए नीचे से ऊपर देखेंगे तो नीचा में बनेगा उन्नयन कोन और ऊपर से नीचे देखेंगे तो ऊपर में बनेगा अनमन कोन दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है अगर अनमन कौन बोल देगा तीस डिग्री तो ये समझ लेना उन्नयन कौन भी कितना है तीस डिग्री है भाई ये रेशियो याद रखना बोलो टेन थर्टी वन बाय रूट थ्री आधार पता है तो कर्ण निकालना दो वन रोट थ्री टू साठ डिग्री रोट थ्री वन टू पैंतालीस डिग्री वन वन टू, ठीक है ये आपको याद रखना चाहिए बैलेंसिंग ऑफ रेशियो मैंने तीन उदाहरण लेकर के आपको समझाया पहला उदाहरण दूसरा उदाहरण तीसरा उदाहरण है ना तो ये चीज को मान लेते हैं किसी को वैसा अगर डाउट है तो फिर से एक बार चीज को देख लीजिएगा वैसे मेरी प्रयास है कि किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं हो चलिए अब यहां पर आपको हम प्रश्न की दुनिया में लेके चलते हैं और ये रहा आप सारे विद्यार्थी के सामने पहला प्रश्न देखो भाई ये रहा आप सारे विद्यार्थी के सामने पहला क्वेश्चन क्या कहता है पहला क्वेश्चन सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान समझेंगे देखो सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान से समझेंगे देख लीजिए आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 का प्रश्न ये पूछा गया है कहता है प्रश्न को देखिए प्रश्न को पढ़िए और फिगर भी बनाइए तो यहां पर कहता है कि बत्तीस रूट तीन मीटर ऊंचे एक टावर के सिर से मतलब पकड़ में आ गया कि वो टावर है और बत्तीस रूट तीन मीटर क्या है ऊंचा है बत्तीस रूट तीन मीटर मेरे भाई ऊंचा है के शीर्ष से एक इमारत के पाद पाद बोले तो उसका जड़ हो गया इमारत का जड़ हो गया आधार हो गया का ऑनमन कौन साठ डिग्री है तो टावर से इमारत कितनी दूर पर स्थित है मेरे भाई यहां पर आप देख लो ये क्या है आपका टावर है टावर है और जानते हैं टावर कितना हाइट का है टावर का हाइट कितना है तो बत्तीस रूट तीन मीटर है मेरे भाई बत्तीस रूट तीन मीटर टावर की हाइट है और कहता है शीर्ष से मतलब यहां से है ना शीर से देखो यहां पर एक इमारत है ये ये क्या है आपका इमारत है एक इमारत है वैसे इमारत का फोटो नहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अब देखो क्या कहता है कि बत्तीस रूट तीन मीटर ऊंचे एक टावर के सिर से तो ये टावर है जिसकी हाइट बत्तीस रूट तीन मीटर है और यहां पर शीर्ष एक इमारत के पाद का लो यहां पर ये इमारत है और ये इमारत का हो गया जड़ इमारत के पाद का उनमन कुण? उनमन कुण बोल रहा है इसका अर्थ ये है कि जो ऑब्जर्वर होगा निरीक्षक होगा आदमी जो होगा वो यहां पर बैठा होगा और वो नीचे की ओर देख रहा है किसको देख रहा है तो इमारत के आधार को देख रहा है इमारत के पाद को देख रहा है और औरमन कौन कितना बनता है साठ डिग्री ऐसे एक्चुअल में जानते हैं ये कहलाएगा कितना साठ डिग्री क्यों क्योंकि जब ऊपर में तो बनता, बनता है पृथ्वी से कुछ ऊंचाई बनता है तो ये देखो साठ डिग्री बनेगा ऑनमन कौन लेकिन ऑनमन कौन और उन्नयन कोन आपस में क्या होता है मेरे भाई बराबर होता है क्लियर है बात अरे दोनों बराबर नहीं होगा अल्टरनेट एंगल से तो ऊपर में बनेगा लेकिन उन्हें बराबर होता है साठ डिग्री हो जाएगा तो बोलता है ना कि टावर से इमारत कितनी दूरी पर है देखो यहाँ पर टावर था ही टावर है ना है और पर पर इमारत है है यहीं पर। तो कहता कितनी दूरी पर है ये ये दूरी दूरी आप हमको बता दो। दूरी बता दो दो तो क्वेश्चन पढ़ के हम फोटो बना लिए अब यहां पर देखिए वो सब पैन कोट साइन लगाने का कोई जरूरत नहीं है वो सब बोर्ड के एग्जाम में हम लोग करते थे जहां चार चार तीन तीन दो दो नंबर देता था यहां पर एक नंबर तो दे रहा है तो भाई एक ही नंबर जैसा बनाएंगे सोचो बोलो यहां पर रेशियो याद है साठ डिग्री जब रहता है तो रेशियो कितना होता है रोड थ्री बाई वन ऐसे यहां भी लिख सकते हैं टू रोट थ्री वन टू लेकिन इसका कोई प्रयोग नहीं है तो इसको आप नहीं भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है है ना रोड थ्री का अनुपात एक अनुपात अब देखो यहां पर एंगल क्या गो है प्रश्न एक ही गो है तो एक ही को जब एंगल है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है बैलेंस हम लोग तब करते हैं जब प्रश्न में दो दो गो एंगल दिया रहता है तो बोलो रूट तीन अनुपात बराबर कितना लिखेंगे मिनट देखो, रूट अनुपात, बराबर, देखो रूट अनुपात है और एक्चुअल में कितना मान है बत्तीस रूट तीन मीटर है ठीक है भाई तो रूट तीन से रूट तीन कट गया तो एक अनुपात बराबर बत्तीस मीटर और यही तो हमसे पूछता है कि टावर से इमारत के आधार की दूरी कितना है तो दूरी का अनुपात एक है तो बोलो एक अनुपात का, का मतलब बत्तीस मीटर और यही आपके प्रश्न का क्या बन जाएगा उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा, ठीक है कोई डाउट है तो एक बार मेरे भाई कमेंट करके बता देना अगर किसी को कोई डाउट है तो बहुत सारे विद्यार्थी सही जवाब दिए है ना हाँ, चलिए यहां पर प्रश्न संख्या दो पे काम कर देखो भाई हम बहुत सारे विद्यार्थी आंसर किए बहुत सारे विद्यार्थी से प्रश्न बन रहे हमको पता है लेकिन हम यहां पर सबको लेके चल रहे हैं हम ये चाहते हैं कि जितने भी विद्यार्थी हमसे उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि नहीं सर से पढ़ेंगे तो मेरा भला हो जाएगा तो भाई मैं सारे विद्यार्थी को लेकर के चल रहा हूं मैं ये चाह रहा हूं कि जो हम कॉन्सेप्ट दे इसके बाद जो है सारे विद्यार्थी से प्रश्न बनना शुरू हो जाए इस कोशिश से हम पढ़ा रहे हैं ठीक ना हाँ अगर आप बना ले रहे हैं प्रश्न को तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है अच्छी बात है अगर आप बना ले रहे हैं तो भी आप बने रहिए और चीज को आप प्रैक्टिस करिए बनाइए चलो भाई आ जाओ कहता है पांच मीटर तथा दस मीटर के दो खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं लो भाई दो गो खंभा है एक खंभा है पांच मीटर का और दूसरा खंभा है दस मीटर का देखो ये दस मीटर हाइट है इसका और इसका हाइट कितना है मेरे भाई पांच मीटर हाइट है अब कहता है कि उनके पायों के बीच की दूरी बारह मीटर देखो ये जो खंभा है और ये खंभा है इसके पायों के बीच का दूरी बारह है मतलब हर जगह जो दूरी है वो कितने मीटर का है बारह मीटर का यहां भी दूरी ले लो बारह मीटर यहां भी दूरी ले लो बारह मीटर हर जगह की डिस्टेंस बराबर है अगर खम्बा इसे तिरछे भागता ना तब जाकर के ये डिस्टेंस अलग अलग होता लेकिन खंबा सीधा पांच मीटर का दस मीटर का और खम्भे के बीच की दूरी बारह मीटर है तो भाई मेरे आपसे क्या कहता है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी बताओ कितना होगा शीर्ष के बीच की दूरी देखो खंभा का शीर्ष यहां पर यह है और इस खंभा का शीर्ष ये है और यहां ये दोनों के बीच का दूरी आपसे क्या करता है पूछता है तो ऐसा करो ना भाई ये जब बारह मीटर है ना तो इसी के पैरल यहां पर ऐसे एक लाइन खींच दो तो ये भी कितना होगा बारह मीटर का होगा अरे ये तो भी अब बोलो ये कितना पांच ये भी पांच अब पूरा कितना है दस पूरा कितना दस और ये कितना पांच तो यहां से यहां तक बोलो कितना होगा पांच ही ना होगा जी अरे पांच ही ना होगा अब देखो यहां पर नब्बे डिग्री है तो ट्रिपलेट पता है बोलो ये पांच है बारह है तो ये कितना होगा तेरह मीटर आपका होगा उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर आ रहा है सभी का पीडीएफ के लिए भाई आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा ठीक ना पीडीएफ ऑन टेलीग्राम अंकुश मैथमेटिक्स ठीक है भाई पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा चलिए तो प्रश्न संख्या तीन पर हम आते हैं आप सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे क्या कहता है प्रश्न संख्या तीन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है लो अब डबल डबल एंगल वाला प्रश्न आना शुरू हो गया अब डबल डबल एंगल वाला प्रश्न आना शुरू हो गया मतलब अब आपको बैलेंसिंग का कंसेप्ट लगाना होगा देखिए प्रश्न संख्या तीन भाई मेरे सब प्रश्न को हम बैलेंसिंग पे लेके चल जाएंगे बस आप ध्यान से यहाँ पर चीज को समझिए पढ़िए और दबा के सारे लोग शेयर करिए जो भी नया विद्यार्थी हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे चलिए आइए भाई तो यहां तीन नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पच्चीस रूट तीन ऊंचाई वाले एक टावर ऐसे यहां पर मीटर होना चाहिए ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है मेरे भाई क्वेश्चंस को समझिए और इसके अकॉर्डिंग पहले फिगर बनाइए तो देखिए यहां पर एक जो टावर है ना देखो ये जो टावर है ये जो टावर है मेरे भाई ध्यान दो टावर जो है ये पच्चीस रूट तीन मीटर हाइट का है एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाता है मतलब परछाई जो टावर का है वो 50 मीटर जो है आपका बढ़ जाता है 50 मीटर बढ़ जाता है कब बढ़ता है भाई कब बढ़ता है तो जब सूरज के द्वारा औनमन कोन 60 डिग्री से x डिग्री हो जाता है देखो भाई आपको पता है आपको पता है कि उन्नयन कोन और अवनमन कोण आपस में क्या होता है मेरे भाई बराबर होता है तो अगर अनमन कोण 60 डिग्री से x डिग्री कह रहा है तो आप ऑनमन के जगह पर अगर आप उन्नयन कह देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उन्नयन और अनमन दोनों आपस में बराबर था मैं गलत नहीं काट रहा हूं मेरा कहना यह है कि कोण कोण दोनों आपस में बराबर होता है तो बोलो 50 मीटर छाया कब बढ़ जाता है जब सूर्य का उन्नयन कोण जो है ना 60 डिग्री से x डिग्री हो जाता है तो बोलो पहले जो है वो कोण बन रहा था कितना साठ डिग्री मेरे भाई और बाद में कितना बन रहा है एक्स डिग्री ठीक ना बाद में एक्स डिग्री बन रहा है तो देखो बढ़ा कि नहीं एकदम बढ़ गया कहेगा ये कैसे तो देखिए जब साठ डिग्री का कोण बन रहा था सब लोग ध्यान दीजिए साठ डिग्री का कोण बन रहा था तो छाया था यहां से यहां तक क्यों भाई अरे आधार इस त्रिभुज का कितना होगा यही ना होगा जी तो समझो कि ये यहां पर आपका सूर्य होगा सूर्य 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 यहां पर ऐसे फोकस मार रहा होगा तो ये जो टावर का परछाई यहां से यहां तक बन रहा होगा लेकिन जब ये साठ डिग्री कोण जब एक्स डिग्री में बदल गया तब तो परछाई जानते हैं यहां से यहां तक बनना शुरू हो गया तो बोलो साठ डिग्री था तो परछाई ये और एक्स डिग्री हो गया तो परछाई ये तो बताओ ई वाला पोर्सन बढ़ा नहीं है यहां से यहां तक बढ़ गया है बोलो भाई यहां से यहां तक क्या हो गया बढ़ गया है पहले इतना ही परछाई था अब इतना हो गया तो बढ़ा हुआ ही ना है करे पचास मीटर बढ़ जाता है तो आप समझ जाओ कि यहां से यहां तक की लंबाई कितना दिया है पचास मीटर दिया है बोलो भाई यहां से यहां तक की लंबाई कितना दिया है पचास मीटर दिया है मामला को समझो सब लोग सारे विद्यार्थी मामला को समझेंगे पचास मीटर आपका दिया हुआ है यहां से यहां तक दिया है पचास मीटर पहले से छाया इतना बन रहा था अब इतना बन रहा है तो यही बढ़ गया है जो पचास मीटर है अच्छा आई बताइए ये कितना है पच्चीस रूट तीन है बोलो ना भाई ये पूरा ऊंचाई जो है वो कितना है पच्चीस रूट तीन है दो गो एंगल है तो रेशियो आपको करना होगा तो कह सर यहां तो एंगल है नहीं तो रेशियो कैसे करेंगे कोई बात नहीं यही एक्स का मान आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है कि कितना डिग्री होगा घबराइए नहीं मेरी बात को गौर सुनिएगा चलिए सब लोग तरी जल्दी से बताइए कि साठ डिग्री जब ये है तो रेशियो कितना होगा तो कह सर लंब का रेशियो रूट तीन होगा और आधार का रेशियो कितना होगा एक होगा याद है ना साठ डिग्री क्या होता तो है तो आप बताओ रूट तीन अनुपात बराबर पच्चीस रूट तीन मीटर अरे भाई ये इसकी लंबाई हो गया और ये इसका रेशियो हो गया तो रूट तीन अनुपात बराबर पच्चीस रूट तीन मीटर तो रूट तीन रूट तीन कट जाएगा तो एक अनुपात बराबर पच्चीस मीटर एक अनुपात बराबर पच्चीस मीटर इसका मतलब इसका मतलब यहां से यहां तक जो है ना वो आपको कितना मिल गया पचीस मीटर मिल गया अरे रूट तीन अनुपात और पच्चीस रूटती एक अनुपात और पच्चीस रूट मीटर तो बोलो पूरा ये कितना हो जाएगा पूरा ये कितना हो जाएगा भाई मेरे पचहत्तर मीटर नहीं होगा अरे पचास ई वाला और पच्चीस पचहत्तर हो जाएगा अब हमसे बोलता है ये एक्स का मान बताओ तो बोलो ये एक्स के लिए क्या है ये लंब है और ये क्या है आधार है ये लंब है आधार है तो बोलो यहां पर टेन एक्स टेन बराबर क्या होता है लंब बटा आधार तो लंब कितना जल्दी बोलिए पच्चीस रूट तीन और आधार कितना पचहत्तर तो पच्चीस से काटिए इसको तीन बार में और रूट तीन से काटिए इसको रूट तीन बार में अब आप सारे विद्यार्थी बताइए टेन एक्स डिग्री का मान वन बाय रूट थ्री तो एक्स का मान कितना होगा तीस डिग्री अरे होगा कि नहीं जल्दी बोलिए टेन एक्स इक्वल टू वन बाई रूट थ्री तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कितना डिग्री पर वन बाई रूट थ्री होता है तो तीस डिग्री पर होता है इसका मतलब एक्स बराबर तीस डिग्री ऑप्शन नंबर कौन सा बी हो जाएगा तो कोई बात नहीं देखिए हम रेशियो का प्रयोग किया आसानी से चीजें आपका बन गया कोई डाउट है किसी को एनी डाउट कोई डाउट है आप लोग यार देखो मामला गड़बड़ है आप लोग शेयर नहीं करते हैं ठीक ना आप लोग सोचते हैं कि चलो सर तो पढ़ा ही दे रहे हैं ना सर एग्जाम का टाइम बहुत कम है इसलिए थोड़ा फास्ट कीजिए अच्छा वो सब सोचना मेरा काम है ना चलो भाई बहुत अच्छी बात है सब लोग समझ पा रहे हैं डाउट तो नहीं है किसी को देखो भाई लास्ट टाइम में आ, आप रेलवे का जो है प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो ये जो मैं पैकेज थ्री लाया हूँ ये सारे के सारे विद्यार्थी इस पैकेज थ्री में इनर होइए ठीक ना हाँ और आपके गांव में जितना भी बंदा है जो मतलब सही टीचर के पास नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा कर सकते हो अपॉर्चुनिटी है कि आप हमसे टेस्ट सीरीज का डिस्कशन ले सकते हैं तो भाई अंकुश मैथमेटिक्स सॉरी अंकुश सर ऑफिशियल आप प्ले स्टोर पे जा करके पर जाकर के सर्च करिएगा और एप्लीकेशन को वहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा क्या अंकुश सर ऑफिशियल सुन लीजिए अंकुश सर ऑफिशियल और डाउनलोड करने के बाद वहां से आप टेस्ट का मैं जो डिस्कशन कल से स्टार्ट कर रहा हूं उसको आप परचेज कर सकते हो ठीक ना कल ही से सात बजे शाम में हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई लाइव बजे से चलेगा और मान लेते हैं आपको अगर समय नहीं मिल पाया लाइव के लिए किसी दिन तो बाद में भी आप वीडियो को देख सकते हो ठीक है भाई और क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर ही दिया जाएगा ज्यादा दिक्कत हो तो फोन मार लीजिए सीधे एकदम फोन दाग लीजिए कि हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा आप हमको गाइड करिए ठीक ना चलिए आगे बढ़ते हैं कहता है एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है लो भाई पिछला बार आप देख रहे थे पिछले क्वेश्चन में आप क्या देख रहे थे तो पिछले प्रश्न में क्या था कि छाया की लंबाई 50 मीटर बढ़ जा रहा था छाया देखो 50 मीटर क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है लेकिन इस बार जो अगला क्वेश्चन इसमें चौबीस मीटर कम हो जा रहा है मतलब फिगर जो है इसी तरह का बनेगा पढ़िए पढ़िए सब लोग पढ़िए सब लोग पढ़िए सब लोग पढ़िए कहता है एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है एकदम मामला एंगल है ना एंगल है आपको पता है कि ये हो गया आपका स्तंभ हो गया जो नब्बे डिग्री पे होता है और जितने दूर वाला कोण रहेगा तो यहां पर ले लो तीस डिग्री छुटका तीस डिग्री साठ डिग्री यहां पे ले लो आपका नजदीक वाला बड़ा होता है साठ डिग्री आप ले लो है ना अब क्वेश्चन को तो नहीं समझिए क्या कह रहा है तो देखिए जब उन्नयन कोण तीस डिग्री से साठ डिग्री हो जाता है पढ़ने से पता चल रहा है कि पहले उन्नयन कोण तीस डिग्री था बोलो भाई पहले उन्नयन कोण तीस डिग्री बन रहा था तो छाया जानते हैं कहां से यहां से लेकर के यहां तक था भाई माथा पर सूरज रहेगा रोशनी मारेगा तो यह स्तंभ की छाया इधर ना बनेगा डिग्री तो जब पहले उन्नयन कौन था तो वैसी स्थिति में छाया यहां से यहां तक था अब बताओ कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया मतलब उन्नयन कौन 60 डिग्री हो गया अब 60 डिग्री मतलब बड़ा कौन अब बड़ा कौन किधर अस्तंभ के करीब और छोटा कौन तो दूर अब बताओ कि अब 60 डिग्री जब उन्नयन कौन हो गया तो छाया इतने ना बन रहा है जी बोलिए जल्दी छाया इतने ना बन रहा है इतने ना बन रहा है पहले इतना लंबा छाया बनता था अब इतना लंबा बन रहा है तो यही वाला पोर्सन कम हो गया जल्दी बोलिए यही वाला कम हो गया, तो 24 मीटर कम हो जाता है आप चीज को समझिए सब लोग कि यहां से यहां तक जो है ना ये दे रखा है कितना चौबीस मीटर दे रखा है देखो हम समझा रहे लैंग्वेज को समझा के फिगर पहले बना रहे हैं ताकि आप सारे विद्यार्थी से एग्जाम में प्रश्न हो हम यहां पर जल्दी जल्दी बना देंगे इसका कोई मतलब नहीं है आपसे बनना चाहिए प्रश्न ये बहुत बड़ी चीज अपने आप में होती है तो बोल रहा है स्तंभ की लंबाई बताओ बोल रहा है ये कितना है वट अब देखो भाई यहां पर आपको बैलेंसिंग का कंसेप्ट लगाना होगा बैलेंसिंग का कंसेप्ट आप सारे विद्यार्थी को लगाना होगा तो कहेगा सर लगाइए ना तो चलिए सुनिए रेशियो सबसे पहले लिखिए बोलो 60 डिग्री के लिए रेशियो लिखिए तो कहेगा सर 60 डिग्री के लिए क्या होगा रोट थ्री होगा और वन होगा ये बहुत काम करिए याद रखना रोट थ्री बाई वन वन यहां से यहां तक होगा अच्छा तीस डिग्री के लिए देखिएगा तो तीस डिग्री क्या होता है बोलो वन बाई यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? रूट थ्री हो जाएगा जाएगा होगा कि नहीं बोलिए जल्दी से तीस डिग्री क्या होगा लंब बटा आधार और डिग्री क्या रूट थ्री बाई वन चलिए अब यहां पर हमको बैलेंस करना है अब यहां पर हमको बैलेंस करना है क्या सर बैलेंस कैसे करते हैं तो बताए है ना कि दोनों त्रिभुज में साठ डिग्री वाले में

कि आप इसमें रूट तीन से क्या करो मेरे भाई गुणा कर दो ये वाले में वन में देखो बराबर हो गया लेकिन एक बात और तीस डिग्री के लिए रेशियो क्या था वन बाई रूट थ्री वन बाई रूट थ्री वन बाई रूट थ्री तो इसमें जब रूट तीन से गुणा किए तो इसमें भी रूट तीन से गुणा करना पड़ेगा यही तो नियम है देखो ये साइड आपका कॉमन था तो 60 डिग्री के लिए रेशियो रूट तीन था और 30 डिग्री के लिए एक था तो बराबर होना चाहिए तो रूट तीन और एक को बराबर करना आपको तो पूछेगा और एक को बराबर करना है तो कहेंगे इसमें रूट तीन से गुणा, तो गुणा किया तो इसके साथ रेशियो ये है इसमें भी रूट तीन से गुणा हो जाएगा ठीक है अब बोलो ये एक तरह से कितना हो गया रूट तीन गुना रूट तीन मतलब तीन हो गया अब बोलो यहां से यहां तक रेशियो वैल्यू कितना तीन और यहां से यहां तक रेशियो वैल्यू कितना एक अरे बोलो ना पूरा रेशियो तीन और यहां से यहां तक रेशियो एक तो यहां से यहां तक रेशियो कितना होगा बता सकते हैं दो नहीं होगा जी अरे बोलो ना पूरा तीन में से एक घटा दिए तो दो हो गया अब यही दो अनुपात बराबर चौबीस मीटर है कहेंगे चूंकि चूंकि दो अनुपात बराबर कितना चौबीस मीटर है तो आप बताओ एक अनुपात बराबर कितना होगा बारह मीटर होगा अरे एक अनुपात बराबर कितना होगा जी बारह मीटर तो हमसे पूछ रहा है स्तंभ की लंबाई बताओ बोलो स्तंभ की लंबाई कितना है बोलो स्तंभ की लंबाई कितना है रूट तीन है अरे रेशियो रेशियो रूट तीन है या तो इसको ले लीजिए नहीं तो इसको ले लीजिए तो एक अनुपात अगर बारह मीटर के बराबर है तो रूट तीन अनुपात है तो रूट तीन अनुपात का मतलब कितना हो जाएगा बोलिए बारह रूट तीन मीटर ऑप्शन नंबर कौन सा डी हो जाएगा उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी को चीजें जो है बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा ठीक है भाई चलिए चलो भाई अच्छी बात है दिल में ढुक जाता है पढ़ाते हैं तो नहीं <laughs> सर टेस्ट का पीडीएफ कितना पहले आएगा भाई मेरे टेस्ट का पीडीएफ 45 मिनट से एक घंटा पहले आपको हम दे देंगे आधा घंटा 45 मिनट पहले काफी होता है आधा घंटा 45 मिनट बनाने के लिए ठीक है भाई चलो धान का कटनी चल रहा है सर मैं खेत में से देख रहा हूं अच्छी बात है धान <laughs> का कटनी चल रहा है वो बिल्कुल सही है चलिए भाई अच्छी बात है गुरुजी फिर से कोरोना का सेकंड लॉकडाउन होने वाला है हाँ भाई नेताजी लोग बढ़िया हैं कोरोना को फैलाएं और भुगते हम लोग है ना हाँ नेताजी लोग कोरोना फैला रहे हैं इतना इतना क्राउड जो है इकट्ठा कर रहे हैं अपने रैली रैला में और फिर से लॉकडाउन करेंगे हमें भी यही चीज लगता है भाई बस सरकार बन जाए कुर्सी पे बैठ जाए फिर जनता के साथ गेम खेलना शुरू हां कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है है ना क्योंकि कोचिंग स्टूडेंट में आपका इंस्टीट्यूट में लगभग दो दो पांच पांच लाख विद्यार्थी होते हैं नहीं और रैली में एक लाख विद्यार्थी से एक लाख लोगों से कोरोना थोड़े फैलता है आइए यहां पर आइए किसी पांच मीटर और यह भी बात है कि कोचिंग वाले बहुत बेवकूफ होते हैं नहीं यहां पर आपका प्रिकॉशन थोड़े कोई देखे कोई थोड़े मार्क्स लगाएगा कोई सजेस्ट करने वाला रहेगा ही नहीं लेकिन भाई रैली में हर लोग मार्क्स लगा के आता है सैनिटाइज करके आता है नहीं हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देना कहता है किसी पांच मीटर ध्यान दीजिए किसी पांच मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ हो कोण है तीस डिग्री का था पांच मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म से क्या बोल रहा है किसी पांच मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से मतलब देखो मामला क्या है कि पांच मीटर ऊंचाई का उम्म बनाना है देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ना इसकी हाइट कितना है मेरे भाई पांच मीटर है किसी पांच मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से मतलब यहां से यहां से किसी टावर के साथ होना इनको हम तीस डिग्री है लो भाई देखो यहाँ पर ये जो है आपका टावर है मेरे भाई ये जो है आपका टावर है देख लो ये टावर है ये टावर है अब यहाँ पर पाँच मीटर हाइट का एक प्लेटफॉर्म है अब प्लेटफॉर्म के ऊपर से मतलब यहाँ से यहाँ से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है तीस डिग्री है यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी भाई मेरे बताओ ये टावर कितना ऊंचा है 45 मीटर आपका है तो 45 मीटर जो हाइट है ना वहां लेंगे एकदम धरती से लेंगे और टावर जो है आपका हवा में थोड़े खड़ा है है ना तो 45 मीटर पूरा यहां से यहां तक आपका है ठीक है मेरे भाई तो आपसे पूछता क्या है कि टावर से प्लेटफॉर्म की टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर था भाई मेरे ये टावर है और ये रहा पांच मीटर हाइट का प्लेटफॉर्म करा कितना दूरी पर था मतलब यहां से यहां तक ये यह दूरी आपसे पूछ रहा है टावर और प्लेटफॉर्म के बीच का दूरी कितना है भाई बहुत ही सिंपल है फिर से एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लो कहीं लैंग्वेज और फिगर में किसी कोई समस्या ना हो किसी पांच मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से देखो यहां पर आपका पांच मीटर हाइट का प्लेटफॉर्म है कहता है प्लेटफॉर्म के ऊपर से मतलब यहां से टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ना यहां से देखेंगे वो तीस डिग्री आपका है ठीक है देखो यहां पर यह आपका तीस डिग्री है अब बताओ कि ये जब पांच मीटर है मेरे भाई तो यहां से यहां तक ये भी कितना होगा पांच ही मीटर होगा जल्दी बोलिए पांच ही मीटर होगा अब पूरा पैंतालीस है और जेरा में ये पांच है तो ये बताओ कितना होगा चालीस होगा अरे बोलो ना पूरा पैंतालीस जेरा में पांच तो ये चालीस से ना होगा अब रेशियो तो लिख दीजिए देखो एंगल एक ही गो है गो एंगल रहे तो प्रश्न बहुत आसान हो जाता है बोलो तीस डिग्री के लिए रेशियो क्या है वन बाई रूट थ्री बोलो ना भाई वन बाई रूट थ्री अब एक अनुपात बराबर है चालीस मीटर तो रूट तीन अनुपात बराबर कितना होगा चालीस हो तो रूट तीन और ऑप्शन ना तो है जी दोनों बराबर है, क्या है? क्या, है? क्या है तो प्लेटफॉर्म और टावर के बीच का दूरी है जो आपसे पूछ रहा है तो एक अनुपात चालीस मीटर तो रूट तीन अनुपात बराबर चालीस रूट तीन मीटर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है भाई चलिए किसी को डाउट भी है इसमें उम्मीद है किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें आ जाओ भाई देखो यहां पर प्रश्न ये क्या कहता है देखो बहुत भयानक क्वेश्चन दिख रहा है मेरे भाई ध्यान दीजिए सब लोग यहां पर चलिए सब लोग यहां पर देखिए तो ये क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर छह क्या कहता है और ऑफलाइन क्लास कब से ओपन होगा भाई मेरे देखो छठ पूजा बाद लगभग मैक्सिमम जो है टीचर की प्लानिंग है कि छठ पूजा बाद ऑफलाइन को स्टार्ट किया जाए ठीक है बाकी बात तो आप समझ ही रहे हैं पासवान जी पूछ रहे सर आप कहां से हैं भाई पटना से हूं बिहार ठीक है आजा कहता है जमीन पर खड़ी एक महिला कि आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर का ऊपर का उड़ैन कोण 30 डिग्री था भाई मेरे प्रश्न को बारीकी से पढ़ना है एलपी टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है बारीकी से पढ़िए सब लोग फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उड़ैन कोण 60 डिग्री था देखो भाई फिगर को सब लोग पहले बनाएंगे प्रश्न को पढ़ करके देखो ये छत्तीस मीटर जो है लंबा टावर है अब देखो यहां पर एगो महिला थी यहां पर एगो महिला थी और जानते हैं सुनिए 36 मीटर लंबा टावर है और ये महिला की आरंभिक स्थिति है इनिशियल में महिला यहां पर थी और उन्नयन कौन कितना 60 डिग्री मेरे भाई उन्नयन कौन कितना 60 डिग्री ठीक है कहता वह इस तरह से दूर चली गई कि टावर का आधार उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक सीधी रेखा में हो लो भाई महिला देखो यहां पर थी आरंभिक स्थिति है इस प्रकार दूर चली गई तो मान लेते हैं कि दूर चला गया तो ई क्या है उसकी अंतिम स्थिति है देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं लिख दे रहा हूं देखो आरंभिक स्थिति ई क्या है ई जो है वो आरंभिक स्थिति है भाई मेरे बड़ा प्रेम से समझा रहा हूं प्यार से समझा रहा हूं समझ जा नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी है ना तो ये आरंभिक स्थिति है और ये भाई मेरे अंतिम स्थिति है ठीक ना एकदम सही एकदम बड़ा प्यार समझा रहे हैं और अभी नहीं समझे ना यहां नहीं समझे तो कोई चांस नहीं बनता है समझने का ठीक ना ये आरंभिक स्थिति है यह अंतिम स्थिति है बोलो टावर कितना ऊंचा था 36 मीटर ऊंचा टावर था यहां पर महिला है और 60 डिग्री के उन्नयन कोण बन रहा है यहां पर 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है टावर के शीर्ष को अब करे महिला दूर चली गई और इसके बाद कहता है कि टावर का आधार तो देखो ये टावर का आधार है ये महिला की आरंभिक स्थिति है और ये महिला की अंतिम स्थिति है कहता है सीधी रेखा में बोलो एक सीधी रेखा में है कि नहीं पढ़ो ना भाई वह इस तरह से दूर चली गई कि टावर का आधार उसकी आरंभिक स्थिति और उसकी अंतिम स्थिति एक सीधी रेखा में है देख लीजिए ये, ये ये एक सीधी रेखा में दिख रहा है ना टावर का आधार आरंभिक स्थिति अंतिम स्थिति फिर कहता है टावर के शिखर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कौन तीस डिग्री था बोलो भाई अब टावर के शिखर से अंतिम स्थिति का उन्नयन कौन कितना तीस डिग्री यहां पर कितना दिया है मेरे तीस डिग्री दिया है अब आपसे क्या बोलता है कि वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई बोलो आरंभिक स्थिति यहां था और चली गई यहां पर कर कितनी दूर चली गई मतलब ये वाला दूरी आपसे क्या करता है मेरे भाई पूछता है जबकि ये 36 मीटर आपका दिया हुआ है देखो यही होता है एक वो दूरी कहीं ना कहीं जरूर दिया हुआ रहेगा और बाकी दूसरा आपसे पूछेगा तो क्या नहीं बनेगा तीस डिग्री साठ डिग्री छत्तीस मीटर दिया है है ये वाला पूछता है, बहुत आसानी से आप मेरे भाई बना सकते हो सब लोग रेशियो याद है बोलो साठ डिग्री के लिए रेशियो कितना होगा रोड थ्री बाई वन होगा लंब का रेशियो रोड तीन आधार का रेशियो एक अब तीस डिग्री के लिए बोल दीजिए कितना होगा बोलो भाई तीस डिग्री के लिए इसको हटा रहे तीस डिग्री के लिए कितना हो जाएगा तो वन बाई वन बाई और पूरा यहां से यहां तक कितना होगा रूट थ्री होगा बोलो अब इसके बाद रेशियो को बैलेंस करते हैं देखते हैं कि वह कौन भुजा है जो दोनों त्रिभुज में कॉमन है तो ये वाला है ये वाला है तो बोलो जब ये भुजा दोनों में कॉमन है तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए बोलो ये दोनों बराबर कैसे होगा तो रूट तीन है इसमें भी अगर हम रूट तीन से गुणा कर देंगे मेरे भाई अगर इसमें भी हम रूट तीन से गुणा कर देंगे इसमें भी अगर हम रूट तीन से गुणा कर देंगे देखो बराबर हो जाएगा लेकिन तीस डिग्री के लिए क्वेश्चन तो बैलेंस। बैलेंस खत्म बोल दीजिए रूट तीन अनुपात में ऊंचाई है अरे ऊंचाई का अनुपात कितना है कितना दिया था छत्तीस मीटर दिया था तो बोल दो यहां से एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा तो बारह रूट तीन मीटर हो जाएगा अरे होगा कि नहीं इसलिए हमसे पूछता क्या है तो हमसे ई वाला पूछता है तो बोलो ई अनुपात कितना हो गया तीन अरे यहां से यहां तक अनुपात कितना हो गया तीन और ई कितना है एक तो यहां से यहां तक अनुपात कितना हो जाएगा दो जो आपको निकालना है तो एक अनुपात बराबर बारह रूट तीन तो दो अनुपात बराबर कितना चौबीस रूट तीन मीटर इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा खत्म सवाल समझे भाई टेन का मान कैसे लिए टेन का मान कैसे लिए अरे भाई टेन बराबर क्या होता लंब बटा आधार होता है टेन बराबर होता है लंब बटा आधार था देखो रूट तीन बटा एक रूट तीन टेन सिक्सटी का मान रूट थ्री होता है देखो लड़का अभी एक गुड मॉर्निंग कर रहा है शायद अभी जगह है बंदा नहीं चलिए उम्मीद है सबको ये प्रश्न जो है बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा <laughs> एक लड़का बोल रहा है कि भाई वोटिंग किसको दिया जाए गोपालगंज से भाई मेरे जो तुम्हारा लिए काम करे ना उसी को वोटिंग दीजिए आप जो आपके लिए काम करे उसी को आप वोटिंग दीजिए आपको लग रहा है कि नहीं ये बंदा हमें रोज़गार देगा ये हमारे लिए सही करेगा फ्यूचर को मेरा ठीक ठाक करेगा उसी को वोटिंग दो ठीक ना ये सब क्या है वो सब चीज़ से ऊपर उठ के वोटिंग दो ठीक ना हाँ अब पुराने ज़माने में आप लोग मत जिए अब जो आपको बेहतर कैंडिडेट लग रहा है उसी को वोटिंग दीजिए अब किसको देना है या खुद सोचेंगे हम कुछ नहीं कहेंगे इस पर आइए प्रश्न संख्या सात क्या कहता है सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे देखो भाई एलपी टेक्निशियन दो का प्रश्न है चलिए यहां पर एक लड़का बोल रहा है फिर से फिर से भाई उतना बेहतरीन ढंग से आपको हम बताएं वीडियो को दोबारा देखिएगा ठीक है ना स्किप करके आगे पीछे कर लीजिए आपको दिखा देगा वो चलिए करें एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उड़ैन कौन सिक्सटी डिग्री है और पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उड़ैन कौन तीस डिग्री है यदि टावर की ऊंचाई पचास मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है आपको बताना है मेरे भाई फिर से एक बार एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उड़ैन कौन साठ डिग्री है ठीक है अब देखो यहां पर यह ध्यान दो यहां पर क्या है टावर है टावर है क्या हो गया आपका पहाड़ी देखो टावर क्या बोल रहा है एक टावर के पाद से पाद मतलब उसका जड़ हो गया जड़ टावर के पाद से मतलब ये इसका जड़ हो गया एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कौन साठ डिग्री लो पहाड़ी के शीर्ष टावर के पाद से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कौन कितना है साठ डिग्री देखो टावर के आधार से पहाड़ी के शीर्ष को देख रहा है तो उन्नयन कौन कितना बन रहा है साठ डिग्री आगे पढ़ते हैं और पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उड़ैन कोण तीस देखो पहाड़ी के पाद से मतलब ये हो गया पहाड़ी का जड़ से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है तीस डिग्री आराम से पढ़िए फिगर को बनाइए और झट से बैलेंस करके उत्तर कर दीजिए यदि टावर की ऊंचाई पचास मीटर लो भाई ये टावर की ऊंचाई कितना दिया है पचास मीटर दिया है अब देखिए एंगल ज्यादा है साठ डिग्री एंगल ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा ऊंचाई पर देख रहे हैं आ 30 डिग्री एंगल छोटा है मतलब कम ऊंचाई पर देख रहे हैं इसीलिए इसको छोटा बनाए फिगर और इसको बड़ा बना दिया ऐसे भी पता चल रहा है कि टावर की ऊंचाई 50 मीटर दे रहा है और पहाड़ी की ऊंचाई पूछ रहा है सब ऑप्शन 50 से ज्यादा है इसका मतलब पहाड़ी बॉर्ड बनेगा अब यही पूछ रहा है कि बताओ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है तो कर दो बैलेंस कर दो मेरे भाई बैलेंस सुनिए रेशियो तो सबको याद है इसमें कोई दोरा नहीं बस याद रखना ही पचास मीटर दिले है अरे भाई मेरे कितना दिल है इसकी हाइट कितना दिया पचास मीटर दिया है अरी वाला का पूछ रहा है आपसे ये वाला का पूछ रहा है व्हाट सुनिए वनियठ डिग्री के लिए रेशियो सब लोग जल्दी से बोल दीजिए कितना होगा तो रूट थ्री बाई वन साठ डिग्री के लिए रूट थ्री लंब बटा आधार रूट थ्री बाई वन तीस डिग्री के लिए कितना होगा मेरे भाई तो बोलो वन बाई रूट थ्री बोलो वन बाई रूट थ्री होगा कि नहीं अब आप बताइए ढूंढिए कि वह कौन सा साइड ऐसा है जो दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है कौन सा साइड ऐसा है जो दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है तो आधार आधारवा देख लीजिए 30 डिग्री वाला त्रिभुज में भी है और 60 डिग्री वाला में जो साइड कॉमन रहता है ना उसी को बैलेंस करते हैं तो बोलिए वन और रूट थ्री को बैलेंस करना है वन और रूट थ्री को बैलेंस करना है कैसे बैलेंस होगा मेरे भाई कैसे बैलेंस होगा बोलो वन रूट थ्री को बैलेंस करना है बराबर करना है तो क्या करेंगे इसमें रूट तीन से गुणा कर देंगे हो गया बराबर कि नहीं अब ढूंढेंगे तो साठ डिग्री बराबर क्या था 3 डिग्री बरा। 3 3 गुणा करना पड़ेगा भाई मेरे ये दोनों रेशियो एक साथ है तो इसमें रूट तीन से गुणा तो इसमें रूट तीन से गुणा अब हो गया बैलेंस देख लो बैलेंस होने का मतलब क्या है कि जो बराबर भुजा है वो दोनों में इक्वल हो जाना कॉमन साइड बोलो इसका अनुपात कितना एक और एक अनुपात बराबर क्या मीटर पचास मीटर तो सीधे लिख देंगे ऊपर में कि चूंकि एक अनुपात बराबर कितना पचास मीटर इसलिए बोलता है पहाड़ी की ऊंचाई बताओ तो बोलो पहाड़ी की ऊंचाई का अनुपात कितना है तीन है अरे भाई रुट तीन कितना तीन तीन अनुपात बराबर हुआ तो एक अनुपात पचास मीटर तो तीन अनुपात बराबर कितना डेढ़ सौ मीटर और डेढ़ सौ मीटर आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तो ये है एल पी टेक्निशियन दो हजार अट्ठारह में पूछा गया प्रश्न और आंसर बहुत आसानी से निकाल दिया ठीक है भाई मजा आ रहा है सबको देखिए रियलिटी में बता रहा हूं मैं रियल में आपको बता रहा हूं कि ये जो आपका रेशियो का मेथड है ना रियल में बहुत जबरदस्त मेथड है आप हमको पता है किसी विद्यार्थी को थोड़ा सा लग रहा होगी सर थोड़ा सा नहीं समझ रहे एक दो परसेंट नहीं समझ रहे तो भाई मेरे एक बार आप फिर से चीज को देखिएगा है ना और कुछ क्वेश्चंस पर आप प्रैक्टिस करिएगा जब खुद से बैलेंस करिएगा तब मैं बता रहा हूं आपको लगेगा कि इससे बेहतरीन कोई मेथड हो नहीं सकता हाइट एंड डिस्टेंस के लिए और रियल में है भी नहीं हाइट एंड डिस्टेंस के सारे सवाल को आप रेशियो मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हैं बस रेशियो मेथड में आपको क्या याद रखना होता है रेशियो मेथड में बस खाली तोरा इतने याद करना होता है रेशियो मेथड में खाली तोरा इतने याद करना होता है बस कि ई वाला खाली बस स डिग्री में लंबाधार कर्ण क्या होता है साठ डिग्री में लंबाधार कर्ण क्या होता है और पैंतालीस डिग्री में लंबाधार कर्ण का रेशियो क्या होता है अब बाकी इसके बाद जो तीन को हम फिगर बताए हैं ना जो एक्सपेरिमेंट किए आपको सिखाए हैं तीन फिगर पर कैसे कैसे सोचना है कैसे कैसे बैलेंस करना है ये तीनों फिगर वाले वीडियो को स्किप करके एक दो बार देखना है फिर देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को कितना आसानी से आप कर सकते हो ठीक है भाई तो टाइम भी आपका काफी हो रहा है टाइम भी काफी हो रहा है है ना टाइम भी आपका काफी हो रहा है कोई बात नहीं आज के क्लास को जो है हम यहीं पे रोकेंगे आज हम सात ही क्वेश्चंस करा पाए टाइम काफी हो गया क्योंकि सात क्वेश्चन कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम जरूर हुआ है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको हम बहुत ज्यादा दिए हैं क्योंकि आज मैंने बेसिक भी हाइट एंड डिस्टेंस का कराया है तो कल से जो सवाल होंगे उसमें बीस बीस सवाल आपका होंगे सारे विद्यार्थी रियलिटी को मेंटेन करिए और ये जो पैकेज थ्री है वो अंकुश सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर कल से हम ला रहे हैं इसमें एडमिशन स्टार्ट है तो सारे विद्यार्थी जो है इस बैच में इनरोल हो जो भी मैथ का टेस्ट विथ डिस्कशन करना चाहते हैं ठीक है भाई चलिए तो आज के क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे और मिलेंगे जस्ट आपसे हम कल अगले दिन और एडमिशन से संबंधित या फिर किसी भी चीज में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो सीधे आप फोन कर लीजिए फोन नंबर आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ठीक है भाई आज के लिए इतना ही धन्यवाद